ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम जितना हो सकता है हमारे साथ रहो, यहाँ अकेले मत जाओ। आपको टेंशन हो गई थी ना कहीं मैं भाग तो नहीं गई। डोंट वरी डॉक्टर कुमार, आपने मेरे हस्बैंड को ट्रीट किया है, उसकी सर्जरी की है, आपका एहसान है मुझ पर, मैं एहसान चुकाए बगैर जाऊंगी। अक्षरा बात ऐसी नहीं, एक्चुअली यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? माया को कुछ लोगों ने पहचान लिया। I mean, माया की आवाज के कुछ फैंस हैं। वो माया से ड्रिप करे कि वो भजन गाए, तुम अंदर चल के बस तीन चार लाइनें गा दो, उसके बाद फैंस हमें यहाँ से निकलने देंगे। पर बात तो स्टेज पर गाने की हुई थी, ऐसे कैसे मैं अचानक यहाँ पर मंदिर में? नहीं डॉक्टर कुलाल, मैं नहीं गा पाऊंगी। अक्षरा मैं मानता हूँ कि बात स्टेज की हुई थी, पर ये फैंस ये बात समझेंगे नहीं, और फैंस को डिसरिस्पेक्ट करना भी तो ठीक नहीं है। फंस गए हम यहाँ। चलो, आपको आपकी दवाई का स्वाद तो पता चला, नहीं आपको भी पता होना चाहिए ना कि फंस जाने का एहसास क्या होता है। पर मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई किसी भी तरीके की मजबूरी में फंसे, स्पेशली तब जब मैं किसी की परेशानी हल कर सकती हूँ। मैं गाऊंगी। कृष्णा भजन गाना है तो मैं राधा बन के गाऊंगी। मधुर सुना दो ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तो पहचान मधुर सुना दो Thank you.
अक्षु? हेलो भैया, आई एम सो सॉरी, मैं कॉल करने में लेट हो गई. सब ठीक है ना? ऑल ओके? हाँ अक्षु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तुम सबकी याद आ रही थी. तू ठीक है ना अक्षु? पुराना सब याद करती हूँ तो कुछ ठीक नहीं लगता है भैया, पर फिर अपने दिल को समझाती हूँ कि आने वाले दिनों में सब अच्छा होने वाला है, फिर ठीक लगता है. पर एक साल पहले मैंने जो कुछ भी किया वो उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी था, अपने प्यार के लिए, अपने अभी के लिए. पर अभी बुरा भी लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ. अपने अभी को बता भी नहीं सकती क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट है कि कुछ भी नहीं बता सकती मैं. मैं आपके हस्बैंड की सर्जरी करूंगा, पर एक शर्त में. कैसी शर्त? आपको अपनी आवाज मेरी बहन को देनी होगी, आपको अपनी जिंदगी उसके नाम करनी होगी. और इन सब के चक्कर में आपको भी अपने साथ खींच कर लाई. अक्षु, तेरे साथ आने का फैसला मेरा था. मैंने कॉल करके बुलाया था तुझे, और हमेशा की तरह मेरे एक कॉल पे तू मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी. क्या करता, कहां जाता अक्षु? बहुत डर गया था मैं, क्योंकि तू मेरी हेल्प नहीं करती ना तो पता नहीं क्या होता. थैंक यू अक्षु. बस कर अक्षु. कितना चॉकलेट खाएगी, गला खराब हो जाएगा तेरा. सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीत के अपने अभी के पास वापस जाना है ना तूने. कभी कभी एक कदम में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फासला तय कर लेते हैं हम. मैं बस एक कदम दूर हूँ अपने अभी से. अक्षु, एक बार अगर मौका मिले तो छुप के देख लेना उसे, तुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा जीतने के लिए. यही सोचते आई हूँ भैया. डॉक्टर शिवांश बिरला, ये क्या कहां से उठा के लाया है तू? हाँ, क्या है ये? तू जानता है, ऐसा ही एक म्यूजिक नोट मिला था मुझे. ये मेरी, तेरी, उसका था. लेकिन ये तो उसका नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो यहाँ है ही नहीं. लेकिन पता नहीं क्यों जब से इसे देखा है अजीब सा लग रहा है. तू तो मेरा थेरेपिस्ट है ना, मेरी मदद करेगा ना? तुझे तो सच बताना पड़ेगा ना. जब से इसे देखा है ना, पता नहीं क्यों अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना. तू मदद करेगा ना मेरी? ओए, चल हेल्प मी. अगर ये तो ऐसे ही किसी का है, और अगर ये तो ये उसका है. चल पिक वन. शिवांश बता. अभी मनियो? हाँ. मैं तुम्हें ऐसे कब याद करती हूँ? जब कोई इशू होता है, राइट? एग्जैक्टली. अभिमन्यु प्लीज, वो मेरे बॉस की सर्जरी है ना, वो तुम कल कर दोगे? प्लीज. आई नो अभिमन्यु लास्ट मोमेंट है, बट मेरे बॉस का मॉरिशस म्यूजिक अवार्ड्स के फिनाले इवेंट पे होना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे चैनल पे, जो कि मैं हैंडल कर रही हूँ, और इवेंट के लिए आई नीड माई बॉस. सो प्लीज अभिमन्यु, प्लीज. ठीक है भाभी, कल दोपहर में ही कर दूंगा, और उसके बाद उदयपुर के लिए निकल जाऊंगा. थैंक यू. ये रिश्ता क्या कहलाता है.